हेलो एवरीवन, दिस इज अकबर खान, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल एंड इट्स एलिमेंट्स। हम लोग आज जानेंगे सर्कल और उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए हम देखते हैं सर्कल एंड इट्स एलिमेंट्स। तो गाइस, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल एक प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय अ कर्व फ्रॉम दिस देयर सेंटर इज कॉन्स्टेंट। आपका एक प्लेन फिगर, जो एक फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्या है? कर्व से बाउंड होता है, बनता है, जो कि उसके सेंटर से जो है कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लेन फिगर है, ये उसका सेंटर है, और सेंटर से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे है, और ये फिगर जो है ड्रॉ हुआ है, इसी को हम बोलेंगे सर्कल। उसका सेंटर, उसके बाद आता है, हम उसके से एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो आता है सेंटर। सेंटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेंटर क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो सर्कल के सेंटर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। व्हाट इज रेडियस? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज रेडियस। तो रेडियस क्या होता है कि फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सेंटर से लेकर के सर्कल सर्कमफेरेंस के बीच में जो डिस्टेंस आता है फ्रॉम हियर टू हियर, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से लेकर के यहां तक ये जो आपका डिस्टेंस, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, विच इज डिनोटेड बाय आर। हम आर से उसको डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है डायमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? अब सर्कल का डायमीटर क्या होता है? सर्कल का अगर सिंपली मैं बोलूं तो एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से आपके पास हो टू द सर्कमफेरेंस। अब यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रेट लाइन मैं पास करता हूं, जो कि आपके सेंटर से पास हो रही है और सर्कमफेरेंस तक। तो फ्रॉम हियर टू हियर जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल, विच इज डिनोटेड बाय डी, डायमीटर विच इज इक्वल टू 2R, इसको हम लोग 2R भी बोल सकते हैं डायमीटर को। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है? आपका बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये आपका जो कंप्लीट जो है बाउंड्री है, ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये आपका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। उसको हम लोग अगर फाइंड आउट करना है तो इसका पाई इंटू डी या फिर 2πr, आप ये इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज आर्क? एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, अभी यहां से आपका कोई भी आर्क, आर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सर्कल है ये कंप्लीट जो बना हुआ है विच इज बाउंडेड बाय आर्क, तो ये आर्क आप कोई भी आर्क पे कोई भी दो पॉइंट ले, आप यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस या फिर यहां से लेकर के यहां से तक का डिस्टेंस, तो ये आर्क हो जाएगा, दिस इज योर आर्क। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? तो जो आपका आर्क होता है, आर्क के जो दो पॉइंट होते हैं एंड पॉइंट्स, दिस इज एंड पॉइंट्स, ये दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन होती है फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपका आर्क है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको जो जोड़ने वाली ये लाइन है ये आपको कहलाती है कॉर्ड, एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, आपको जो जोड़ने में जो मदद करती है जो लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट? तो जो आपका आर्क है और आपका कॉर्ड है, ये जो जो एक एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, ये जो जगह, जो ये बीच की जो स्पेस आ रही है कॉर्ड की और आर्क के दरमियान की जो ये स्पेस आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, दिस इज योर सेगमेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? अब टेंजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो एक इस एक 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 लाइन जो आपके सर्कल को, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिस फ्रॉम द सर्कल, नॉट पासिस फ्रॉम द सर्कल, विच इज जस्ट मेक अ सिंगल पॉइंट टच ऑन योर सर्कल, आपके सर्कल पे जस्ट एक पॉइंट टच करे, एक लाइन है ये पास हो रही है यहां से यहां, तो ये जो लाइन है और ये जो सिंगल पॉइंट पे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट ऑफ द सर्कल। आप एक एक सर्कल पे जो है आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं।
उसके बाद आता है आपका सेक्टर. व्हाट इज सेक्टर? तो दो रेडिया, टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल का टू रेडियाई एज वेल एज कर्व मिलकर के जो स्पेस और जो खला, जो जो जगह ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर. अब यहां पर देखें, यहां से लेकर के यहां तक एक रेडियस हो गया. अनदर रेडियस इज फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस दिस वन. और ये जो स्पेस और ये आर्क मिलकर के ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किए, ये एरिया आपका कहलाएगा, दिस इज योर सेक्टर. आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे सेमी सर्कल. सेमी सर्कल इन द सेंस आपका सर्कल है, सर्कल का जब आप हाफ करेंगे जो उसका आधा हिस्सा कहलाएगा सेमी सर्कल. नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट. व्हाट इज क्वाड्रेंट? तो क्वाड्रेंट का डेफिनेशन गाइस ये है कि आप 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, आप इस सर्कल के चार हिस्से करें, यहां से आप इसको डिवाइड कर दें और इसके जो चौथाई हिस्सा होगा दैट इज नोन एज क्वाड्रेंट. नाउ हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सर्कल का, वो है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कॉन्सेंट्रिक. आपके सर्कल से ऐसे सर्कल जिनके जो है सेंटर सेम हो, टू और मोर देन सर्कल. ये हमारा एक सर्कल हो गया, दिस इज अनदर सर्कल एंड दिस इज वन मोर सर्कल. बट इनके सेंटर क्या है, हमारे सेंटर मस्ट बी सेम. तो ये हमारा जो सर्कल कहलाएगा ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा. एज इट इज अगर हमारा यही इसेंट्रिक सर्कल की हम लोग बात करें तो सर्कल क्या होंगे, जिनके दो या दो से ज्यादा सर्कल लेकिन उनके क्या हो, सेंटर क्या हो, अलग अलग. अब इसका सेंटर अलग हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, तो ये इस तरीके से जो हर एक का सेंटर आएगा, सेंटर क्या होगा, अलग होगा. तो ये हमारे जो सर्कल कहलाएंगे ये हमारे इसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे और ये हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे. दिस इज योर कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड दैट इज योर, दिस इज ऑल्सो योर इसेंट्रिक सर्कल. तो गाइज आई होप कि आप लोगों को आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा. तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके से आप तक वीडियो पहुंचती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप हमारे YouTube के बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू.